हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ताकतों का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़, जून से नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वॉच लिस्ट की ग्रे कैटेगरी में शामिल। चीन और सऊदी अरब में भी कड़े वक्त में साथ छोड़ दिया, दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां नजरअंदाज। आज चीमा को गिरफ्तार क्यों किया, अफसर शाही मैदान में कूद पड़ी। डीएमजी अफसरों ने दफ्तरों को ताले लगवा दिए। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में साइलीन को परेशानी, चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत अहम इजलास जारी। करप्शन के मुलजिम की 20वें ग्रेड में तरक्की, अपोजिशन वालों ने भी पोजीशन संभाल ली। पंजाब असेंबली में हंगामा, अलामती वॉकआउट, अरकान का सीढ़ियों पर एहतजाज। आहत चीमा की गिरफ्तारी से जो सूरत हाल पैदा हुई है, आहत चीमा की गिरफ्तारी नैब ने जिस अंदाज से की है वो इंतहाई काबिल एतराज़ है। इस किस्म की अना और इस तरह से कानून को जो है वो अपने मजाज के मुताबिक इस्तेमाल करना जो है ये इंतहाई गलत है। वजीर कानून की तोपों का रुख नैब की जानेब, क्या कौमी एहतसाब ब्यूरो लोगों की पगड़ियां उछालने और तजलील करने के लिए है? आईन को सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम करार दे दिया। नवाज शरीफ प्लस है और प्लस रहेगा, माइनस करने वाले ख्वाब देखते रहेंगे। राणा सनाउल्लाह के बाद मियां नवाज शरीफ प्लस है और प्लस रहेगा, उसे माइनस करने का ख्वाब देखने वाले जो है ये ख्वाब ही देखते रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने आहत चीमा की गिरफ्तारी पर ब्यूरोक्रेसी का एहतजाज शर्मनाक करार दे दिया। करप्ट टोला खुद को कानून से बालातर समझता है, हाथ साफ हो तो एहतसाब से क्यों घबराते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्वीट। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की फिर पेशी, एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत, वाजिद ज़िया भी हाजिर हुए, साबिक वजीर आजम के पहुंचने से कबल ही वापस चले गए। शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस, रॉबर्ट रेडले और डेप्यूटी जनरल प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंच गए। नवाज शरीफ के वकील नैब के बरतानवी गवाह पर जरह करेंगे। तोहीन अदालत केस, वफाकी वजीर दानियाल अजीज के चेहरे में, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो और शाये खबर का मतन लीगी रहनुमा को फराहम कर दिया। मजीद मोहलत मुनासिब नहीं, क्रेडिट कार्ड की भी कोई लिमिट होती है। जस्टिस अजमत सईद का वकील से मुकालमा। मैं अपने अदारों का एहतराम करना पड़ेगा, ये चाहे प्राइम मिनिस्टर रहा हो नहीं रहा हो, कुछ भी है, रॉन्ग है राइट है, हमें अपने अदारों के एहतराम में चलना पड़ेगा, एक दूसरे का एहतराम करना पड़ेगा। मैं कि वो कहते हैं कि अदालतों के फैसले माना करो, गलत फैसले हो माना करो, तो हमने माने हैं, आज मियां साहब भी मान लें। मियां साहब अदालती फैसलों को तस्लीम करें, इदारों का एहतराम करना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का मशवरा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से बैरूनी सरमायाकार नहीं आ रहे, मीडिया चौक। नवाज
नवाज शरीफ की पार्टी सदारत से छुट्टी के बाद पीर इकबाल शाह की छुट्टी का भी खतरा। अदालती फैसले के बाद लोधरा जिमनी इलेक्शन की कानूनी हैसियत क्या है, इलेक्शन कमीशन ने सर जोड़ लिए। यहाँ पे मौजूदा जो सेटअप के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर आप तारीख देख ले तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के बानी रहे। सेनेट इलेक्शन से पहले खरीद व फरोख्त का शोर, कप्तान के बागी खिलाड़ी ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हॉर्स ट्रेडिंग का बानी करार दे दिया। परवेज खटक एक एक करोड़ की बोली लगा रहे हैं, निगत और अगज़ई का इल्जाम। पीएसपी अरकान की पहली बार सिंध असेंबली में एंट्री, सिक्योरिटी एहलकारों ने पहले दाखिले से रोका, एहतजाज पर पासेस जारी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने आए हैं, मोहम्मद दिलावर की गुफ्तगू। सरहद पार बैठा दुश्मन हर हद पार करने लगा, एलओसी पर भारत की फिर जारहियत, गांव तित्री नोट पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 19 साल नौजवान शहीद। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में चौकी को निशाना बनाया। पिशावर में सरकारी गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश, धमाके में डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफराद जख्मी, बारूदी मवाद सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में नष्ट किया गया था। पार्लियामेंट हमला केस, इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद, चेयरमैन तहरीक इंसाफ 26 फरवरी को पेश होंगे। इक्तसादी राहदारी हकीकत का रूप धार चुकी, तापी मंसूबे से तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात पूरी होंगी, खत्ते में मजमूई तौर पर खुशहाली आएगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तुर्कमानिस्तान में तकरीब से खिताब। कोशिशों में नाकाम हो चुका है, पाकिस्तान का नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान का नाम जून से इस फहरिस्त में शामिल होगा, फैसले के मुताबिक। और आपको बताएं कि सऊदी अरब और चीन ने भी पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में साथ नहीं दिया। आलमी ताकतों का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़, पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय लॉबी ने काम दिखा दिया। आपको बताएं कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया गया, FATF ग्रे लिस्ट में शामिल मुल्कों पर दहशत गर्दों की मुआवनत का इल्जाम लगाया जाता है और अब पाकिस्तान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। पाकिस्तान का नाम जून से इस फहरिस्त में शामिल होगा और इस मौके पर सऊदी अरब और चीन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, सिर्फ तुर्की ही पाकिस्तान की हिमायत में इस मामले में आगे आया। पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम हो गया और पाकिस्तान का नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। जी हाँ, पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम हो गई है, सिफारती कोशिशें जो की गई पाकिस्तान की जानिब से वो भी नाकाम हो गई हैं। सऊदी अरब और चीन जो कि आखिरी वक्त तक पाकिस्तान की हिमायत में थे, अचानक उन्होंने अपने एतराजात इस फैसले के खिलाफ जो थे वो वापस ले लिए और ये फैसला अब जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान का नाम जून से इस फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। ये फहरिस्त फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट है जिसमें अब पाकिस्तान का नाम शामिल कर लिया गया है। इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां जो थीं उनको नज़रअंदाज किया गया है, उनको खातिर में नहीं लाया गया है। FATF ग्रे लिस्ट में शामिल मुल्कों पर दहशत गर्दों की मावनत का इल्ज़ाम लगाया जाता है, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो पैसा टेररिज्म की मदद के लिए जाता है और ऐसे ममालिक जो इसकी रोकथाम नहीं कर पाते उनका नाम इस लिस्ट में डाला जाता है और अब जून से पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, भारत और तुर्की समेत 25 ममालिक, खलीज ताबुन काउंसिल और यूरोपीय कमीशन शामिल है। इस तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारियां आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम करते हैं। आपको बताएं कि आलमी वॉच लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने से इसे आलमी इमदाद,
कर्जों और सरमायाकारी की सख्त निगरानी से गुजरना होगा, जिससे बैरूनी सरमायाकारी भी मुतासिर होगी और मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इससे कबल 2012 से 2015 तक पाकिस्तान वॉच लिस्ट में शामिल था। और इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे तजियाकार भी शामिल होंगे। आलमी ताकतों ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया है, पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय लॉबी ने अपना काम दिखा दिया है। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़ गुल साहब, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका, पहले कहा जा रहा था कि शायद इस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया है, लेकिन अब अचानक ये फैसला कर लिया गया है, पाकिस्तान का नाम इस ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, जून से इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई गैर मुतवक्के बात नहीं थी। खासतौर पे अगस्त में अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जिस पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसका इरादा उन्होंने ये 5 जनवरी को अपने ट्वीट के जरिए भी किया, तो ये बहुत वाजे हो गया था कि ये मौका आएगा। और इससे एक और बात जो खुल के सामने आई है कि ये हमारी सिविल और फौजी क्यादत के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है, इसलिए कि सबको मालूम था कि इस किस्म का वाकया ये हो सकता है और आसार यही थे कि अब पाकिस्तान के खिलाफ बिलवास्ता तौर पे अमरीकी इंतजामिया भारत की शय पे इस नौयत के इकदाम करेगी। यानी इम्तियाज़ गुल साहब, कथा कलामी की माजरत, इस डिजास्टर के जिम्मेदार हम खुद हैं? जी बिलाशुबा, अगर हम जिम्मेदार ना होते तो फिर 9-10 फरवरी को एक फैसला किया गया कि जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के तमाम असासों को हुकूमत ने कब्जे में ले लिया, तो उसका यही मकसद था कि ये इजलास होने जा रहा था, तो इस नौयत के इकदाम की तवक्को पाकिस्तान से बहुत पहले से की जा रही थी और ये बहुत वाजे था कि अगर ये पाकिस्तान ने ना किया, भले इसमें बड़े मुहर्रिकात इसके पसपर्दा हैं, उसमें भारत कि पाकिस्तान के खिलाफ कोशिशें शामिल हैं, लेकिन जाहिर है भारत अगर एक दुश्मन मुल्क है तो वो तो हर तरीके से पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेगा और जहां जहां भी पाकिस्तान की कमजोरियां नजर आएंगी उसको वो एक्सप्लॉइट करेगा। और ये एक ऐसा शोबा है जो हमारी अस्करी ग्रुपों के साथ माजी की रकाबतें थी या उनके खिलाफ एक्शन न करना, जैश मोहम्मद और जमात दावा, ये एक ऐसे मसाइल हैं जिसपे पूरी दुनिया, तमाम बड़े ममालिक एक लिहाज से मुत्तहिद हैं और इस पे हमें हर हाल में कदम लेने थे। तो जो काम हम 6 महीने पहले कर सकते थे वो हमने 10 दिन पहले क्यों किया, तो इससे अब ये मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम क़यादत की नालायकी और बेअमली साबित होती है इससे। और इस इम्तियाज़ गुल साहब, अब आगे क्या करना पड़ेगा, क्या इस वॉच लिस्ट से निकलने का कोई तरीका है, क्या कोई कुछ इकदाम होंगे जो हम पर थोपे जाएंगे, हमें करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे, या आपको लगता है कि हमें पहले से पता है हमें क्या करना है? देखिए, इसके अब 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इससे पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने की, तजारत करने की, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी वो कुछ उसकी लागत बढ़ जाएगी, उसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट आसानी से नहीं खुलता है, लेकिन उसका मुस्बत पहलू यह है कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमाकारी सिवाय चीन के इस वक्त कोई नहीं कर रहा है और इसलिए इसको बहुत ज्यादा असर इस लिहाज से नहीं पड़ेगा। उसमें चूंकि चीन की तरफ से काफी सारी इमदाद या वहां से कर्जे आ रहे हैं, लेकिन इसका तशरी